करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। एंड सी जी ब्लॉगर नेहा के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताई थी मेरे घर में काली पूजा हो रहा है, तो आपने तो देखा ही पहले। फाइनली अभी टाइम मिल रहा है, थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। मैं सोची छोटा छोटा ही हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। तो मूर्ति वगैरह सब, भगवान जी सब आ गए हैं, मम्मी लोग को भोग भी ऑलमोस्ट बन गया है, बस एक दो चीज़ें बची हैं वो थोड़ा देर में बनाएंगी। मम्मी लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं सोची तब तक थोड़ा सा आपसे बात कर लेती हूँ। दादी नहीं आई, पापा मैं और माही आए हैं, हनी तो वहीं हैं अंबिकापुर में ही है, वो जाएगा नानी के घर बिलासपुर में अपने पापा अपनी दादी और चाचू के साथ में। और मिस्ट्री से तो मिलवा ली आपसे, तो जब हम लोग आए थे तो वो सो रही थी, उसके बाद फिर उठी है। तो मैं अभी बहुत सारा काम है, तो बात करना तो शायद ही ऐसे सामने से फिलहाल ऐसा नहीं होगा बात। बाकी तो मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी कि कैसे पूजा होता है, क्या होता है। पिछले साल भी मैंने आपसे ये शेयर किया था ये काली पूजा, उसके बाद ही फिर बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि घर में और क्या क्या होता है। और हर साल तो मैं ही बनाती हूँ अल्पना, मतलब जो रंगोली होता है वो, और माला वगैरह। तो इस बार दीदी आ गई है, मतलब मेरी भाभी की दीदी, वो आ गई है। और दीदी भाभी और मेरे को आने से थोड़ा सा लेट हो गया था, तो उन लोग कर लिए थे, तो कोई बात नहीं। तो बाकी मैं इधर छोटा मोटा जो काम रहता है वो संभाल रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं पूजा में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दिखाती हूँ कि हमारे घर पूजा कैसे होता है। तो अल्पना बन गया है, भाभी ने अल्पना बनाया है। और इधर भी हमारे में जो भगवान जी का जो पाटा रहता है, यानी इसी में भगवान जी बैठाएंगे, तो इसमें भी हो गया है कंप्लीट। ये सब इस बार भाभी ने किया, हर साल तो मैं करती हूँ, ऐसे सीखना तो भाभी को ही पड़ेगा। मतलब अब तो भाभी के ऊपर ही जिम्मेदारी हो गई है, अगर मैं कभी नहीं आई तो उनको ही करना पड़ेगा। तो ये देखिए, थोड़ा सा छोटा मोटा सा डेकोरेट भी कर दी है भाभी और मेरा भाई मिल के, वो लोग कर दिए हैं। और ये देखिए क्या बन रहा है, कटहल की सब्जी और चटनी, बाकी तो बन गया, बाकी बन गया। ऑलमोस्ट जो है भोग बन गया है। ये कुछ मिक्स वेज रहता है, मतलब बड़ा बना के कोई एक सब्जी बनाते हैं जिसमें कि ये ड्रम स्टिक रहते हैं और भुजिया है बहुत सारा, वो मैं खोल के आपको नहीं दिखा रही हूँ। और ऐसा प्रसाद के ऊपर ना, मतलब भगवान जी को चढ़ाने के पहले इसमें बेल पत्ता हम लोग ज़रूर रखते हैं। मूर्ति तो आ गई है भगवान जी की, बस अभी अब पूजा का तैयारी चल रहा है। वैसे तो हर साल मेरे बड़े पापा यानी जेठू ही पूजा करते हैं, बट इस बार हम लोग पंडित जी बुलाए हैं। और ये देखिए कलश भर के भी मेरा भाई ले आया है, बस अब छोटा मोटा तैयारी, उसके बाद फिर पूजा। क्या बोली तो घर में कोई कार्यक्रम हो, कोई फंक्शन हो, चाहे वो पूजा, चाहे कोई पार्टी या कुछ भी, और हम लोग लेडीज़ लोग, मतलब जो सुहागने हैं, वो आलता नारा लगाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए हमारी छोटी सी माता रानी भी अभी आलता लगा रही हैं, हिंदी में शायद इसको महावर बोलते हैं और हम लोग बंगला में इसको आलता बोलते हैं। तो देखिए बड़े शौक से ना ये अपना पैर दे के मिस्टिक खुद ही लगवा रही थी, मतलब बता रही थी कि लगाओ लगाओ, और फिर इतनी खुश होकर सबको दिखा भी रही थी कि मैं आलता लगाई हूँ। अपने दादाजी को सबसे ज़्यादा, मतलब जा के गोद में बैठ के दिखा रही थी। ओम गं गणेशाय नमः, इदं रक्तानुलेपनं गं गणेशाय, एतद् दुर्वाक्खदं ओं गं गणेशाय नमः, एतादृशोपकरणं नैवेद्यं
ओम गं गणेशाय नमः ओम प्राणाय स्वाहा पावाय स्वाहा समापाय स्वाहा ध्यानाय ओम क्रिं क्रिं रिं रिं नं नं ओम नमः ओम क्रिं क्रिं रिं रिं नं नं ओम नमः ओम क्रिं क्रिं रिं रिं नं नं ओम नमः ओम क्रिं क्रिं रिं रिं नं नं ओम नमः। तो पूजा बैठ गया है, पंडित जी आ गए थे और पूजा बैठने में बहुत इस बार ना बहुत लेट से पूजा स्टार्ट हुआ है, यानी लग्न जो था पूजा का मुहूर्त जो था वो 10 बजे से था, तो 10 बजे बैठा दिए थे तो बहुत टाइम लगता हमारे यहाँ पूजा होने में, बहुत लेट लगता है। मतलब अगर 10 बजे बैठाए तो भोर 4 बजे तक मतलब पूजा होना था, लेकिन पंडित जी थोड़ा जल्दी निपटा दिया इस बार। पता नहीं क्या था कि जल्दी से पूजा हो गया इस बार। और जैसे हमेशा बड़े पापा और एक हमारे जो पंडित जी हमेशा वही पूजा करते हैं, तो वो उन लोग करने से ना बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे से भी पूजा होता है, प्लस बहुत लेट तक भी, मतलब जैसा जो नियम है हमारा वो पूरा हो जाता है। पर इस बार ना पंडित जी दूसरा चेंज करके लाए थे, तो काफ़ी एज में भी बहुत कम था पंडित जी, तो खैर कोई नहीं, वो बड़े पापा बताते गए तो उनको और पूजा होते गया। और यहाँ पे माही का चल रहा है, मतलब वो स्ट्रॉबेरी खाने के लिए इतना ज़िद कर रही थी कि उसको बहाने से वो सोना भी नहीं चाह रही थी। अभी 12:30 के अकॉर्डिंग हो रहा था और वो सो भी नहीं रही थी, नौटंकी कर रही थी, बोल रही थी कि मैं सो जाऊंगी तो मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं मिलेगा, इसलिए वो उसका ये सब बहाना कर रही थी ताकि सोना ना पड़े और उसको स्ट्रॉबेरी मिले। तो उसके बाद मैं फिर उसको ले जाके सुला दी थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 1:30 बज चुका था, वो उसके बाद सोई थी। यहाँ पे आरती हो गया था और फाइनल जो लास्ट रहता है यानी होम, और इसको हवन बोलते हैं हिंदी में और हम लोग बंगाली में होम बोलते हैं, तो ये बस होम होना था लास्ट, उसके बाद बस पूजा ख़त्म ही था। और ये देखिए, ये ना हमारे पूजा का सबसे मेन है, ये मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था, जो एक और पिछले साल का जो ब्लॉग मैंने शेयर किया था, ये मेन प्रसाद होता है, यानी चावल को फ्राई करते हैं, रोस्ट करते हैं, एंड चना भी रहता है इसमें, और इसके ऊपर अदरक और मिर्ची ये मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, देन उसके बाद ये प्रसाद बनता है। और इसमें मतलब हमारे में मेन प्रसाद यही रहता है, जैसे चरणामृत रहता है ना सारे पूजा में, तो वैसे ये हमारे में मेन प्रसाद यही रहता है। और बड़े चाव से इसको हम लोग खाते भी हैं, एक्चुअली साल में एक बार खाने को मिलता है ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है, और भगवान जी का प्रसाद चाहे जैसा भी हो वो तो अच्छा ही लगता है। ये नेक्स्ट दिन का है, तो रात को मैं ब्लॉग जो है वो एंड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे विसर्जन का भी दिखाना था, आप लोगों से शेयर करना था, तो वो वाला ब्लॉग में ही मैं सोची कंटिन्यू कर लेती हूँ, उस ब्लॉग को मैं एंड नहीं की थी। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और विसर्जन का टाइम है, तो पूजा वगैरह सब हो गया है, आरती सब हो गया है, फाइनली मूर्ति भगवान जी की जो है वो नीचे आ गई है। तो एक्चुअली मेरा फ़ोन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था अंदर मेरा, मतलब बहुत काम हो गया था, इसलिए मैं इसके पहले का थोड़ा सा वीडियो मेरा वो सब शेयर नहीं कर पा रही हूँ आपसे, तो विसर्जन का वीडियो मैं डायरेक्ट आपसे शेयर कर रही हूँ। तो फाइनली मूर्ति आ गई है बाहर माता जी की, और ये देखिए दोनों भाई मेरे खड़े हैं यहीं पर, तो बस अभी बस विसर्जन होगा। और सच में इतना बुरा लगता है ना, मतलब साल में एक बार पूजा होता है और सिर्फ एक दिन के लिए होता है, तो अब इतना बुरा लगता है जब मूर्ति विसर्जन के लिए जाते हैं,
तो इस बार बड़ी वाली गाड़ी लेके आए। हर साल ना हम लोग छोटे में हम लोग के बीच में सिर्फ लड़ाई लगती थी, और उस टाइम तो जीप रहा, जीप में हम लोग सब बैठ के पीछे जाते थे। तो इस बार जो है इस बार पिकअप लेके आए हैं, बड़ी वाली गाड़ी लाए हैं, और इस पर बहुत सारे लोग भी थे विसर्जन के लिए। तो बस विसर्जन होने वाला है और सच में बहुत खराब लगता है। हम लोग भी निकल गए, मैं, भाभी और मिष्टी और भाई और एक दीदी, आशा दीदी, ये हम लोग सब जा रहे हैं। और यहाँ पे एक्चुअली मैं ध्यान नहीं दी, गाड़ी पे जो है वो गाना चल रहा था, तो यहाँ कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं विसर्जन, और इसलिए मैं वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था बहुत और कॉपीराइट का इशू हो रहा था। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं जहाँ विसर्जन होना है, इसको आमानाला बोलते हैं। और ये पहले ना बहुत छोटा सा रहा, और अभी तो बहुत अच्छा कर दिए हैं, बहुत बड़ा सा कर दिए हैं। तो मिष्टी हमारे साथ ही आई थी, और माही को मैं नहीं लेके आई थी, माही घर पे थी। एक्चुअली माही ना बहुत गहरी नींद में सो रही थी, और उसको डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतनी गहरी नींद में है। वैसे थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि वो देख नहीं पाई लास्ट में भगवान जी को विसर्जन करते टाइम। खैर कोई नहीं, वो थोड़ा सा फिर चिड़चिड़ करती अगर उसको मैं लेके आती, इन कच्ची नींद से उठाती ना, तो बहुत चिड़चिड़ करती। तो अभी भगवान जी का विसर्जन का टाइम हो गया, और सच में बहुत बुरा लगता है। और हम लोग ना जब छोटे थे तो लड़ झगड़ के आते थे कि नहीं हमको जाना है, हमको जाना है। हमारे में ये रूल था पहले कि लड़कियां विसर्जन में नहीं जाएंगी, पर हमने ये रूल ब्रेक कर दिया। मैं तो हर साल आती हूँ, कोई आए चाहे ना आए, मैं तो ज़रूर आती हूँ। और इसमें ना एक डिपार्टमेंट रहता था कि मैं हमेशा शंख या कासर बजाती थी, और मेरा भाई, मतलब हम दोनों का था डिपार्टमेंट था कि एक वो बजाता था। देखिए मैं यहाँ पर शंख भी बजा रही हूँ। तो भगवान जी के विसर्जन के साथ जो मेरा ये ब्लॉग है, ये वीडियो है, ये मैं यही एंड करती हूँ। होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब की बिल्कुल करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और दिन के साथ, एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।